फिर यहाँ आ गई। आपके पास कोई और काम नहीं है? आप हर वक्त हमारे घर में मंडलाती रहती हैं। या अल्लाह, तुम्हें नहीं पता मैं कितने काम करती हूँ। तुम्हें मालूम है मैं 7-स्टार होटल में खाना बनाती हूँ, इससे ज्यादा और क्या काम करूंगी मैं। दिमाग भी बहुत पकाती है वैसे तो। शिमी, अल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो तुम। जी शिमी, कितने दिनों से मैं याद कर रही थी तुम्हें। याद है हम बचपन में लंगड़ी पाला खेला करते थे? और तुम मुझे जल्दी से ये बताओ कि मैं उस वक्त तुम्हें किस नाम से पुकारती थी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोचो सोचो। माजरत से, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। और ये खेल, ये तो मैंने जिंदगी में नहीं खेला। और आपके साथ? जी माजरत से, लेकिन नामुमकिन। अबू आप बिल्कुल परेशान ना हो, इनके पास ऐसे बेशुमार किस्से, कभी आपके साथ, कभी ताया अबू के साथ, कभी चाचू के साथ। हाँ, लेकिन इस घर की औरतों के साथ इनका कोई किस्सा कहानी नहीं है, है ना? हाय अल्लाह, देखो तो कितने इल्जाम लगा रही हो मुझ पे तुम। तुम्हें पता है, राशिदाबादी से जाके पूछो मैं अभी उनको कितने किस्से याद करवा के आई हूँ अपने और उनके बचपन के। अच्छा मुझे माफ कर दे, मेरे पास इन किस्सों के लिए वक्त नहीं है। ठीक है शिम्मी, ठीक है, तुम अपनी बचपन की दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो ना। याद रखना एक बात, तुम मेरा दिल तोड़ोगे तो तुम्हारा भी दिल टूटेगा। अल्लाह, मेरे अब्बू को बद्दुआएं क्यों दे रही हैं आप? प्लीज जाए यहां से। अरे वो असल में मेरे पास ना 5,000 का नोट है और मैं निकली थी बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए, तो तुम्हें पता है ना कि रिक्शे में अगर बैठ जाओ और 5,000 का नोट दिखा दो तो वो कितनी चिक 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 करता है, तो लिहाजा मुझे 5,000 का खुला चाहिए था। है आप लोगों में से किसी के पास? हाँ हाँ हाँ, जरूर, आप ये लें और आप जाएं। ये ले। हाय, थैंक यू सो मच शिमी। सुने, 5,000 का नोट तो दे। वो मैं अभी लेकर आती हूँ, दरअसल घर पे भूल गई। आ रही, अभी आ रही। ऐसी औरत है ये? गया आपके 5,000। तुम कह दो अपने घर वालों को कि तुम्हें कोई और पसंद है। अब देखो, शायद अयान आया होगा। जो बात करनी है जल्दी कर लो वरना अम्मी आ जाएंगी। क्या हुआ मानूर, सब खैर है ना? है आन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो मेरे घर वाले जबरदस्ती कासिम से मेरा रिश्ता कर रहे हैं और मैं उनसे लड़ नहीं सकती। कासिम से? और वो राजी है? वो राजी हो या ना हो, मेरा रिश्ता तय हो गया और उसके बाद मंगनी हो जाएगी और फिर एक साल के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कोई हल नजर ही नहीं आ रहा। अनु, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं सच बता रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। हैहान प्लीज, खुदा के लिए ऐसी बातें करके मुझे परेशान मत करो। तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। मैं कैसे मनाऊं अपने घर वालों को, मैं फंस चुकी हूं बुरी तरह। ये जुल्म मत करो मुझ पर। और तुमने ये बताने के लिए मुझे यहां बुलाया है? ये बताने के लिए बुलाया कि तुम किसी और की होने जा रही हो? क्या करूं, मैं कैसे मनाऊं उन लोगों को, तुम ही बता दो मुझे। मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे तुम्हें करना होगा मेरे लिए। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, नहीं जी सकता।
जाऊंगा मैं, तुम्हें कर लाऊंगा मेरे लिए, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। ध्यान प्लीज। अल्लाह के करम से अब तो सब ठीक हो गया ना। देखो ना, अब मानूर और कासिम भी रिश्ते में जुड़ जाएंगे। माशाल्लाह, देखो कितने प्यार से चाय बना कर लाइए। साबिर तुम भी पी लो ना। और अब तो खैर से खाना एक ही जगह पकेगा हमारे घर में। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब आप चाय तो पिए, वैसे ही आपने बहुत टाइम से मेरे हाथ की चाय नहीं पी है। सच कह रही हो, तुम्हारे हाथ की चाय बहुत मिस कर रहा था। सच्ची बात अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, राजदा से अच्छी चाय बनाती हो। आज तो 2 कप चाय पियो बेटा। अच्छा भाईजान, अब इतना मस्का मारने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको चाय मिल जाएगी। अच्छा चलो, अब ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो और दोनों भाई गले मिलो। हाँ चलो गले मिलो। उठो ना जाए मेरा प्यारा भाई। आपको याद है जब बचपन में ये लड़ाई करते थे तो हम इसी तरह से इनकी सुलह करवाते थे। वाकई अम्मा भी ये दोनों बचपन में भी लड़ते थे? यकीनन शमीमी शुरुआत करते होंगे। अरे सिर्फ शुरू नहीं करता था, बदमाशी भी करता था। मैं मासूम था, बड़ा था, लेकिन पिटता था इससे। क्यों शर्मिंदा कर रहे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह ऐसे ही सबको हंसता रखे और बुरी नजर से बचाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। चले चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है। मैं चाय पियो ना। चलो भाई चलो। तो बहू किस काम की है, आगे देख क्यों नहीं रही बढ़के? देखो मैं तो बस यही कहूंगी कि लड़की की इज्जत अगर एक बार गई तो फिर सारी जिंदगी ढूंढते रहो नहीं मिलती, इसलिए जो भी कुछ करना सोच समझ के करना। मोहब्बत भी जिंदगी में एक ही बार मिलती है, मोहब्बत एक बार खो जाए तो इंसान ठीक से जीने के काबिल नहीं रहता। मगर मैं अपनी मोहब्बत नहीं खोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, और ये तुम्हारी भूल है, तुम मुझसे बिछड़ कर रह लो। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा अगर तुम किसी और की दुल्हन बनी। आयान प्लीज ऐसा मत बोलो, खुदकुशी हराम है। आयान ऐसी बातें करके तुम मुझे डराओ मत प्लीज। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, मैं कर भी जाऊंगा। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।